क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x² + 1 कि एक कर्व है y = x² + 1, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट ढूंढना है. वो पॉइंट कैसा हो कि दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 18 1, कि वो जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के सबसे ज्यादा क्लोज हो. यानी इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन कर्व है उसके ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स का अगर मैं इससे डिस्टेंस निकालूं, इस पॉइंट तो उन डिस्टेंसेस में से जिस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ मिनिमम निकलेगा, मुझे वो पॉइंट ढूंढना है. यानी एक्चुअली y इज इक्वल टू x² + 1 जो है वो आपके पास एक ऐसी कर्व है और 18 1 पॉइंट कहीं यहां पे होगा, कहीं यहां पे. तो अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज है, यहां भी एक पॉइंट हो सकता है, एक पॉइंट यहां हो सकता है, एक यहां हो सकता है, हो सकता है एक पॉइंट यहां पे हो. तो मुझे इन सब पॉइंट्स का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट से मुझे डिस्टेंस निकालना है, और मैंने देखना है कि किस इनमें से किस पॉइंट के लिए ये वाला डिस्टेंस जो है वो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है. तो जिस पॉइंट के लिए डिस्टेंस मिनिमम आ रहा है, मैं क्या करूंगा, मैंने उस पॉइंट को फाइंड करना एक्चुअली. यानी कर्व के ऊपर तो बेतहाशा पॉइंट्स हैं और उन सारे पॉइंट्स का मैंने इस 18 1 जो पॉइंट है इससे डिस्टेंस लेना है और डिस्टेंस को मैंने मिनिमम रखना है, क्योंकि उसने कहा क्लोजेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा करीब कौन सा है, तो डिस्टेंस मिनिमम होगा इसका यह मतलब है. तो अब मैंने इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस उससे निकालना है और उनमें से मैंने वो पॉइंट चूज करना है कि जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा. तो लेट करते हैं ए बी बी अ पॉइंट ऑन वाई इज इक्वल टू x² + 1. y इज इक्वल टू x² + 1 के ऊपर ये एक पॉइंट ए बी है. अब अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है तो फिर इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा. देन क्या होगा, x की जगह मैं a लगा सकता हूं, y की जगह b लगा सकता हूं, b बराबर आ जाएगा a² + 1 और इस इक्वेशन को मैं लेबल कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1. ये कंडीशन मैंने यूज कर ली. उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस लेना है और उस डिस्टेंस को मिनिमम बनाना है. डी डिस्टेंस किस किस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस. तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, उसके मुताबिक डिस्टेंस क्या होगा, 18 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का स्क्वायर और होल पे स्क्वायर रूट. तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम यहां पे b की वैल्यू भी इसमें एडजस्ट कर दें तो ये d जो है वो फंक्शन बन जाएगा a का, और फिर हम d को मिनिमम बनाएंगे और a की वैल्यू निकाल के a किस वैल्यू पे d मिनिमम होगा वो a की वैल्यू चूज करेंगे एंड देन वो a की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में लगा के b भी निकाल लेंगे, तो फिर हमें हमारा रिक्वायर्ड ए बी पॉइंट मिल जाएगा. तो यहां पर इसका स्क्वायर ओपन करें आप, 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस ए स्क्वायर माइनस 36a प्लस 1 माइनस b क्या है, b है a स्क्वायर प्लस 1 यहां से देखते हैं कैलकुलेशंस करके कि क्या बनता है. ये आ जाएगा 324 प्लस a स्क्वायर और जब यहां से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बच जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 और इसका स्क्वायर और होल पे स्क्वायर रूट. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूं और इधर क्या बच जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर किसका स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 36a प्लस 324. और स्केयर मैंने इस वजह से लिया है कि ये डी का डेरिवेटिव निकालना मेरे लिए मुश्किल काम है, तो मैंने क्या किया है, मैंने उसका स्केयर ले लिया डी स्केयर और मैं इसको नाम नया दे देता हूं, मैं इसको एफ का नाम दे देता हूं. और चूंकि मैंने डी को मिनिमम बनाना है तो इसका मतलब है यहां पे क्या है, डी स्केयर है और डी क्या है, डी आपका डिस्टेंस है वो तो पॉजिटिव ही है, तो अगर डी के स्केयर को मिनिमम बना ले या डी को मिनिमम बना ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि डी क्या है यहां पर पॉजिटिव है.
अब इसको मैंने नाम दे दिया एफ का, अब इस टर्म का डेरिवेटिव लेना मेरे लिए ज्यादा आसान है, तो अब मैं वही काम करूंगा कि दो डेरिवेटिव्स निकाल के फिर स्टेशनरी पॉइंट लेके और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव पे उसकी वैल्यू चेक कर लो। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, तो डी एफ बाय डी ए ये आ जाएगा मेरे पास 4a का क्यूब प्लस 2a माइनस 36, और मजीद डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो डी स्केयर एफ बाय डी ए स्केयर बराबर आ जाएगा 12a स्केयर प्लस 2। और अब मुझे क्या करना है, मुझे स्टेशनरी पॉइंट्स ढूंढने हैं, तो उसके लिए क्या होगा, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स डी एफ बाय डी ए को 0, तो डी एफ बाय डी ए देखें ये है 4a का क्यूब प्लस 2a माइनस 36 इज इक्वल टू 0। मुझे इस क्यूबिक इक्वेशन को हल करना है यहां पे, तो अब यहां पे फैक्टर्स तो बन नहीं रहे, तो हम क्या देखते हैं, हम सिंथेटिक डिवीजन की तरफ आते हैं। तो देखें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमें सबसे पहले एक रूट की जरूरत होती है और फिर हम सिंथेटिक डिवीजन की मदद से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो a इज इक्वल टू 2 इसका रूट है, अगर आप a को 2 लगाते हैं तो 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 4 क्या बन जाएगा, अगर आप इस इक्वेशन में a को 2 लगाएं तो आपके पास आएगा 4 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू a की जगह पर 2 लगाएं और माइनस 36, और आप देख सकते हैं ये क्या आ जाएगा 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 4 32 प्लस 4 36 0, सेटिस्फाई हो रही इक्वेशन। तो मैं तो डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट a इज इक्वल 2 को सोच लिया, आप सबसे पहले a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 सोच लें, फिर प्लस माइनस 2 सोच लें, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इस तरह के नंबर्स भी आप सोच सकते हैं और उनमें से ही कोई नंबर आपको मिल जाएगा तो जिससे आप गैस कर सकते हैं कि वो आपका इस इक्वेशन का रूट है। तो अब हमें सिंथेटिक डोमेन यूज करनी है तो उसके लिए हमें एक रूट चाहिए था, तो बाय इंस्पेक्शन a इज इक्वल टू 2 इज रूट, a इज इक्वल टू जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो हम सिंथेटिक डोमेन लगाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हमने लिखने होते हैं, a के क्यूब का कोएफिशिएंट 4 है, फिर a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, a का कोएफिशिएंट 2 है और देन कांस्टेंट क्या है -36, डिवाइड करना है हमने 2 से तो यहां आ जाएगा 2, ये फर्स्ट नंबर तो एज इट इज आ जाता है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है या 8 आ गया, इन दोनों को ऐड करें तो 8 बन गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आ गया, 16 को 2 में ऐड करें 8, अब इस 8 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 36, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो गिवन इक्वेशन आपकी क्या बच गई, अब 4a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। और अब अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो इस इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज आप डिस्क्रिमिनेंट यहां से निकाल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ a, तो यहां पे जो आपका ये वाला फैक्टर b के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये अगर मैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो फिर ये a का रोल प्ले कर रहा है, ये b का और ये c का, तो डिस्क्रिमिनेंट मैं निकालूं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 और a यहां पे क्या है 4 और c यहां क्या है 18, तो आप देख सकते हैं कि ये 4 इंटू 4 16 इंटू 18, ये नंबर 64 से बहुत बड़ा है और दरमियान में क्या है माइनस है, तो ये आंसर तो क्या है नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके जो रूट्स हैं वो तो कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो और हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहां पे जो हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं कैलकुलस के अंदर वो तो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, उनकी जो डोमेन है वो तो सेट ऑफ रियल नंबर्स या उसका कोई सबसेट है, तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएं। तो फिर हमें a की वैल्यू मिल रही है a की, और वो क्या है 2 है,
तो अब इसी वैल्यू पे हम सेकंड डेरिवेटिव को एनालाइज करते हैं। तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव क्या है, 12a² + 2। तो इसको एनालाइज करना है हमने किसके ऊपर, a इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो d² f / dA² वो क्या था, 12a² + 2। तो अब a क्या है, 2 है, तो यहां पे 2 लगाए एट a इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 12 × 2² + 2। 2² 4, 4 × 12 = 48 + 2 = 50। तो ये आंसर आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, सेकंड डेरिवेटिव a इज इक्वल टू 2 पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो f है वो मिनिमम है, f इज मिनिमम एट a इज इक्वल टू 2। और f किसके बराबर था, f तो d² के बराबर था, तो इसका मतलब है d² मिनिमम होगा फिर। और चूंकि d पॉजिटिव था, तो अगर मैं ये कह दूं d मिनिमम है या d² मिनिमम है, तो इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो इसका मतलब है फिर मेरा d मिनिमम होगा किस पे, एट a इज इक्वल टू 2। हमने डिस्टेंस को मिनिमाइज करना था, तो हमने मिनिमाइज कर लिया डिस्टेंस को, और हमने कह दिया जब a 2 होगा तो डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो फिर अब हमें a इज इक्वल टू 2 के कोरिस्पोंडिंग वो पॉइंट a भी निकालना है। तो हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 वो क्या कहती थी, b इज इक्वल टू a² + 1 है, तो उसमें अब a की वैल्यू लगा के हम b को निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज b इज इक्वल टू a² + 1, तो 2² 4, 4 + 1 = 5, b इज इक्वल टू 5, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2, 5। ये पॉइंट 2, 5 वो वाला पॉइंट है जो कर्व के ऊपर है, और इसका इस पॉइंट का 18, 1 से जो डिस्टेंस है वो क्या है, मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 12 को हम एक और तरह से भी देखते हैं। हमने क्या बात की क्वेश्चन नंबर 12 में, कि हमने वो वाला पॉइंट निकालना है y इक्वल टू x² + 1 के ऊपर जिसका 18, 1 से जो डिस्टेंस है वो मिनिमम रहे। तो ये पॉइंट a है जिसका कोऑर्डिनेट्स 18, 1 है, और ये हमारे पास कर्व है y इक्वल टू x² + 1। अब हमने इसके ऊपर वो वाला पॉइंट ढूंढना है कि जिसका मैं इस a से डिस्टेंस लूं और वो डिस्टेंस मिनिमम आए। तो चलिए जरा देखिए, ये डिस्टेंस देखिए, यहां अगर b है, ये कोऑर्डिनेट b के हैं, तो डिस्टेंस 17.06 है। हम ऊपर जाए तो डिस्टेंस देखिए बढ़ रहा है, ओके, ऐसे नीचे आते हैं डिस्टेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, 16.5 हो गया, उसके बाद थोड़ा और नीचे जाए 16.49 हो गया, उसके बाद जैसे ही हम उससे फिर नीचे आए डिस्टेंस फिर बढ़ गया। अच्छा, अब और चलते हैं आगे, देखिए डिस्टेंस फिर बढ़ रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे हम इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट को घुमाते हैं तो डिस्टेंस देखिए इंक्रीज कर रहा है। तो हमने वो वाला पॉइंट ढूंढना था जिसके लिए डिस्टेंस मिनिमम रहे। कर्व के ऊपर तो इनफिनिट मेनी पॉइंट्स हैं, और इन इनफिनिट मेनी पॉइंट्स का हम ऐसे डिस्टेंस भी निकाल रहे हैं। तो अगर यहां पे बी है तो डिस्टेंस देखिए 17.06 आ रहा है। मैं ऊपर ले जाता हूं इसको पॉइंट को, तो देखें डिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है। अगर मैं और नीचे आता जाऊं, देखें डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है। यहां पे मैं आऊंगा 16.5 हो गया, जब कोऑर्डिनेट्स के हैं 2.1 और 5.41। अब मैं इसे थोड़ा सा और नीचे होता हूं, तो यहां पे डिस्टेंस हो गया 16.49। अच्छा, कम हो गया डिस्टेंस, और नीचे है 16.49 ही है, यहां पे भी डिस्टेंस 16.49 ही है, जब ये 2 और 5 के करीब करीब पॉइंट्स हैं। अब जैसे ही हम थोड़ा और नीचे है 16.5, देखिए फिर इंक्रीज करना शुरू कर गया डिस्टेंस।